दोस्तों, आज मैं आपके लिए फाइव ऐसे जानवर लेकर आया हूं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं मरते हैं और करोड़ों सालों से हमारी धरती पर रहते आ रहे हैं। हॉर्स शू क्रैब। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जानवर का खून नीले रंग का होता है, जिसको मेडिकल के अंदर दवाइयां बनाने के काम में लिए किया जाता है। यही वजह है कि इस जानवर का शिकार बड़ी मात्रा में किया जाता है, ताकि इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर काफी सारा पैसा कमाया जा सके। हालांकि इसके अंदर से खून निकालने का प्रोसेस काफी हार्ड होता है, क्योंकि यह एक तरह का जहर होता है जिसे इंसान की जान भी जा सकती है। लैम्प्री 360 साल पुराना यह क्रिएचर असल में नदियों में ताजगी को मेंटेन रखने के काम में आता है, जिसके मुंह में मौजूद दांत इतने नुकीले होते हैं कि किसी भी चीज को आराम से लॉच कर खा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर इस जानवर को चोट लगती है तो यह अपने आप को बिना ट्रीटमेंट के हील कर लेता है। जेलीफिश। दोस्तों, जब हम बात करते हैं धरती के सबसे पुराने जानवर की तो हमेशा जेलीफिश का नाम आता है। दरअसल यह क्रिएचर 500 मिलियन साल पहले धरती पर पाए जाते थे, यानी कि किसी लैंड क्रिएचर के धरती पर आने से पहले यह क्रिएचर दुनिया में आ चुके थे। कई वैज्ञानिक इसे धरती का सबसे पुराना जीव भी मानते हैं। नॉटिलेस। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छोटा सा क्रिएचर 30 साल बाद देखने को मिल, जिसके बाद मान लिया कि यह अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन असल में यह जानवर 500 मिलियन सालों से समुद्र के अंदर रहता आ रहा है, जिसने अब तक कई प्रजातियों को विलुप्त होते हुए देखा है, लेकिन यह सरवाइव होने में कामयाब रहा। यही वजह है कि अगर आपको कभी यह जानवर देखें तो आपको इसके बदले में करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। स्पॉन्ज। वैज्ञानिकों की माने तो यह क्रिएचर हमारी धरती पर लगभग 700 मिलियन सालों से मौजूद है, जिसके कंकाल अब तक के किसी भी जानवर के अवशेषों से ज्यादा पुराने हैं। यहां तक कि वैज्ञानिकों आज तक स्पॉन्ज से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं।